एवरीवन वेलकम बैक टू माय लाइफ। तो हमारी तरफ से गुड मॉर्निंग और आज संडे का दिन सबको मुबारक हो, क्योंकि संडे का दिन हमारे लिए पाक होता है। आप सबको मुबारक हो। और आज जो है ना, किस चीज़ का आप लोगों से व्लॉग शेयर करेंगे या आप लोगों को चलती वीडियो में पता चल जाएगा। और आज हम व्लॉग शेयर करने लगे हैं, आज संडे का दिन है और इबादत करने लगे थे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं हर संडे जो है ना चर्च जाती हूँ, तो आज भी जो है ना चर्च जाऊँगी। आप लोग हमारे साथ बने रहना और आप लोगों से भी शेयर करूँ कि आज मैं कौन सा गिफ्ट हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे चर्च की तैयारी चल रही है। यहाँ ये देखे, यहाँ मजदा लगेगा और यहाँ सारी तैयारी कर रहे हैं सब। अभी हम जो है ना 10:15 हो गए हैं, तो तैयारी करने मतलब तैयारी कर रहे हैं। अभी पास्टर साहब जो है ना सबको मतलब कह के आए हैं, अभी सब आ जाते हैं। ये देखे पास्टर साहब जो है ना तैयारी कर रहे हैं। यहाँ पे ये देखे तैयारी चल रही है। यहाँ पे मैं बाहर की तैयारी चल रही थी और अंदर आ गई हूँ रूम में, और अम्मी को देख रही थी। अम्मी को हमने अभी दी है मैंने मेडिसिन, क्योंकि अम्मी जो है ना नाश्ते से पहले मेडिसिन खाती है, तो वो दी है अम्मी को। तो अम्मी से पूछ रही थी, अम्मी घर वालों की याद नहीं आ रही गोपाल भाई की है? अम्मी कोई बात नहीं, अम्मी घर भाई की थोड़ा उन्होंने गाड़ी जाना कोई बंद करके बात जा। हाँ ये तो बात है, लेकिन मुझे तो सबकी बहुत ज़्यादा याद आ रही। अपनी 15 साल बाद आप तो 15 साल बाद मिली हैं, मुझे नहीं पता था। तो लेकिन ये शुक्र है खुदा का कि हम हैर से पहुंचे घर वालों के पास, सबसे मिलवाया आप लोगों को। तो अभी जो है ना आप लोगों को पता है कि शादी बहुत ज़्यादा नज़दीक हो गई, आज 8 तारीख हो गई है। तो 10 को माइयाँ मिल दिया, तो आप लोगों ने हमारे साथ बने रहना है। तो आप लोगों को इसी तरह हमारे अच्छे अच्छे लोग मिलते रहेंगे। तो हमारे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और अच्छे अच्छे कमेंट्स करना। आप लोग हमारे साथ बने रहें, हम भी आप लोगों के साथ बने रहेंगे। मिलते हैं थोड़ी देर के बाद, जैसे चर्च की तैयारी होती है फिर मैं गीत गाऊंगी। आप लोग जो है ना कमेंट्स में बताना कि मैंने आज का गीत कैसा गाया। तो गाइस यहाँ पे आप लोगों को मैंने बताया था कि इबादत जो है ना आज इबादत हुई है, संडे का दिन था तो इबादत हो गई है। तो मैंने जो है ना 2 गीत मैंने गाए थे, 2 गीत इसने गाए थे। ये मेरे बड़े भाई की बेटियाँ, भतीजी है मेरी। इन लोगों का तो रात को हम इंतज़ार कर रहे थे, ये रात को आए हैं 3-4 बजे। काफ़ी ज़्यादा देर हो गई थी, तो हमने व्लॉग के बारे में पूछा था, लेकिन ये कह रहे थे कि सुबह बनाएंगे हम सब मिलके फ्रेश हो के। तो इसलिए जो है ना रात को हमने जो है ना व्लॉग बनाना मुनासिब नहीं समझा, तो इसलिए हमने अब व्लॉग बना ली थी। ये है भाई की छोटी बेटी, और बेटे से पता नहीं मिलवाया, और भाई जो आए हैं बड़े उनसे भी मिलवाती हूँ, भाभी से भी मिलवाती हूँ, और सबसे आप लोगों को मिलवाती हूँ। ये सब कुछ देखने के लिए आप हमारे साथ बने रहें। और अभी हमने कहीं जाना है बाहर, तो हमने कहाँ जाना है बताओ? हमने अभी मास्टर सिटी जाना है, फिर हम मास्टर सिटी जाके फिर आपको दिखाएंगे कि मास्टर नहीं मतलब इससे नहीं बोला जाता, इसने कभी बनाया नहीं है। इसके कहने का मकसद यह है फिर वहाँ जाएंगे तो फिर अच्छा सा अच्छा व्लॉग आप लोगों से शेयर करेंगे। और आपको बताया था कि बादल जो है ना ख़त्म हो गया, तो हम आए थे ऊपर टहलने के लिए ऊपर छत पे। तो हमारे जो रात को मेहमान आए थे ना, तो अभी आप लोगों को उनसे भी मिलवाती हूँ, एक एक करके सबसे मिलवाती हूँ। तो यहाँ पे मुस्कान भाग रही है, मुस्कान भागना नहीं, मुस्कान ये है मेरी भतीजी, बड़े भाई की बेटी। तो मिले क्या कहना चाहती हैं आप व्यूअर्स? मैं यही कहना चाहती कि मुझे ना फूफो से मिलके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। मतलब कि मैं फूफो से फर्स्ट टाइम मिली, मुझे पता था लेकिन पापा के कजन्स हैं, लेकिन मैं मिली फर्स्ट टाइम हूँ, मिलके मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। और यहाँ पे देखते हैं ये क्या कहते हैं, क्या कह रहे हो? मुझे भी बहुत अच्छा लगा फूफो से मिल के, आप ही से मिल के और अम्मी से मिल के बहुत अच्छा लगा। और थैंक यू जी, थैंक यू, आप लोगों ने हमारी इतनी इज्जत की, थैंक यू सो मच। क्यों सुमन? नानू कह रही है नानू के ब्लैक एंड व्हाइट कपड़े निकाल दो। हेलो जी व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो आप लोग को व्लॉग कैसे लगे आप लोगों ने कमेंट में बताना है। और सुमेरा मामी बहुत ज़्यादा सैड है, और मैं भी बहुत ज़्यादा, मैं सबको बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ। लेकिन ये है कि मतलब हमारे बड़े भाई की जो बेटियां आई हैं, पहले कोई भी नहीं था ना, सिर्फ बाजी आसिया थी, वो भी कामों में बस मसरूफ, कामों में मसरूफ थी। और अभी जो है ना लड़कियां आ गई, अभी हम सब जो है ना मिलके एंजॉय करेंगे, मिलके जो है ना व्लॉग आप लोगों से अच्छे अच्छे शेयर करेंगे। और मिलते हैं आप लोगों से थोड़ी देर के बाद। मिले हमारे भाई से, ये हमारे छोटे भाई हैं, ये हमारे बड़े भाई हैं, जो रात को हमारे मेहमान आए हैं, ये हैं वो। क्या हाल है भाई?
सुमन क्या कह रहे हैं जी? तो गाइस फाइनली जो है ना हम लोग जो है ना तैयारियां कर रहे थे कहीं जाने की, मेरा तैयार शादी का होना कहीं जाने की हम कर रहे थे तैयारियां, तो कहां हमने जाना है ये हमारे दूल्हा जी है ना जो मुझसे बहस-बाज कर रहे हैं, ये हमारे नए दूल्हे जो है ना, हमारी दुल्हन तो नहीं अभी तक आई, तो दूल्हे ने जो है ना दुल्हन को लेने के लिए जाना है ना, तो दूल्हे को बहुत ज्यादा इंतजार है दुल्हन कब आए, तो हम भी जो है ना इनकी तैयारियां कर रहे हैं, हम भी जो है ना इनकी तैयारियां कर रहे हैं दुल्हन को लाने की, तो रिवर्स आप लोगों को हमारे जो है ना अच्छे अच्छे व्लॉग मिलते रहेंगे, तो अभी हम जाने लगे थे बाहर कहीं अच्छी जगह पे, तो वो नेक्स्ट व्लॉग में आप लोगों को पता चलेगा, वो सुमेरा कुकिंग पे पता चलेगा या सुमेरा लाइफस्टाइल पे, मतलब ये अभी मैं सोच रही हूँ कि ये वीडियो किस पे डालूँ, वो वीडियो किस पे डालूँ, अभी सोच रही हूँ, तो मैं देखूंगी, ये मुझे हंसा रहे हैं सब, लेकिन मैं भी लोग अच्छे तरीके से बना, तो अभी हम रेडी होते हैं तो वो भी आप लोगों से शेयर करते हैं, और कहाँ जाने लगे ये भी आप लोगों को जल्दी वीडियो में पता चलेगा, और बड़े चैनल पे आप लोगों को पता चलेगा कि हम कहाँ जा रहे हैं, ये छोटे चैनल की वीडियो है, यहाँ पे हम घूमते फिर रहे थे, इंजॉय कर रहे थे, हम तैयारी कर रहे थे कहीं जाने की, तो अभी क्या उसका नाम, अभी देखती हूँ कि भाभी क्या कर रही हैं, भाभी कब की मतलब बिरयानी की तैयारी कर रही थी, तो अभी जाती हूँ भाभी के पास किचन में और देखती हूँ कि भाभी क्या कर रही है, और आप लोगों को भाभी से भी मिलवाती हूँ और भाभी से पूछती हूँ कि भाभी क्या कर रही हैं, जाती हूँ किचन में और देखती हूँ कि भाभी क्या कर रही हैं, भाभी भाभी कहाँ चली गई, भाभी तो है नहीं यार, गैस इतनी कम, तो भाभी तो बिरयानी बना रही थी, ओह नो गाइस यहाँ पे गैस जो है ना चली गई है, तो ये अभी भाभी ने मुझे लगता है चाय रखी है, तो गैस चली गई है और चावल ये देखें बिरयानी भाभी बना रही थी चिकन बिरयानी, तो गैस जो है ना वो चली गया, तो थोड़ी सी इनको परेशानी बन गया, तो मुझे यही था कि भाभी जो है ना किचन में ही है, तो मैं इसलिए किचन में आई थी, चलो गैस चली गई आप देखते हैं, मुझे लगता है ऊपर जाते हैं भाभी को कहते हैं ऊपर आप जलाएं, क्योंकि माशाल्लाह बड़ा तसला काफ़ी ज़्यादा बिरयानी बना रहे हैं मेहमानों के हिसाब से, तो हमें जो है ना आग जलानी पड़ेगी, अभी ऊपर जाते हैं फिर आग जलाते हैं और फिर जल्दी जल्दी बिरयानी तैयार होती है वो आप लोगों को दिखाते हैं। गाइस अभी हम करने लगे थे तैयार ही, और ये बच्चा है जो है हमें लेके जाएंगे, ये है मेरे बड़े भाई का बेटा, मेरा भतीजा, मैं इनकी भूखो लगती हूँ, और इसे मैं परसों चौथ की कह रही हूँ कि चलो 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 चलो, लेकिन ये हमें लेके नहीं जाते, आज इसने वादा किया कि पुप्पो आज पक्का आप लोगों को लेके जाऊंगा, और अभी आप लोगों को हम दिखाते हैं कि मैंने कपड़े जो है ना वो भी प्रेस कर लिए हैं, तैयार कर लिए हैं, लेकिन ये बच्चा हमें लेके नहीं जाता, अभी दिखाते हैं आप लोगों को कपड़े, पक्का लेके जाओगे, वादा करो, पक्का वादा, नहीं पक्का वादा बता दो कि बड़े चैनल पे आप लोगों को पता चल जाएगा कि मैंने जी, तो गाइस देख सकते हैं कि सुबह से इसने मेरी तैयारी भी करवाई है लेकिन मुझे लेके नहीं गया, फिलहाल अभी तो हम रेडी होने लगे हैं, देखते हैं कि लेके जाता है या नहीं, अगर लेके गया तो आप लोगों को बड़े चैनल पे जो है ना पता चल जाएगा, ये व्लॉग हम जो है ना बाहर का बड़े चैनल पे ऐड करें जी, तो गाइस आज का व्लॉग अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अच्छे अच्छे कमेंट्स करना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।